आ जाइए आप 1000-2000 मैदान में, देखेंगे कौन लड़ेगा सामने हमारे। हर कोई शराब बांटना चाह रहा, हर कोई पैसा बांटना चाह रहा इलेक्शन में। यहाँ के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स घूमते हैं ना, उनका गाड़ी चेक करने का अधिकार यहाँ के कैंडिडेट्स और अलग अलग पार्टियों को भी मिलना चाहिए। ये तमाम सक्सेसफुल आंदोलन कर्नाटक में कोई नहीं किया, उतना आंदोलन करके सक्सेस किया हुआ बेस है मेरा। और जो दूसरे पार्टियां हैं उनका बेस सिर्फ करप्शन है। कांग्रेस रहने दो, बीजेपी रहने दो, और कोई रहने दो, इनके करप्शन छुपा के खाली ये मजहब के नाम पे लोगों को डिवाइड करके एक दूसरे का डर बता के वोट लेना चाह रहे हैं। डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं बचा इनके पास। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एमएसके मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। आज का जो मैं मौला मुल्ला भारत कम्युनिस्ट पार्टी से अलन तालुका का उम्मीदवार, मैं वहाँ पे उम्मीदवार बनने की वजह 40 साल से जो गुलबर्गा जिले में ही नहीं कर्नाटक राज्य में जो सक्सेसफुल मोमेंट किए हैं, जो जो सब्जेक्ट के लिए सक्सेसफुल मोमेंट किए हैं, वो मोमेंट है किसानों की तोर खरीदी करना, यहाँ पे भीमा का पानी गुलबर्गा को लाना, कॉमरेड अड़ियप्पा के लीडरशिप में किया गया काम, वहाँ पे अलंद में अमरजा का पानी अलंद को लाना, उसके अलावा तोर है, पीक नुकसान भरपाई है, सूखे के टाइम पे, बरगाल के टाइम पे चारा, लोगों को काम, वहाँ का बस स्टैंड है, डिग्री कॉलेज है, वहाँ का शक्कर कारखाना है। ये तमाम सक्सेसफुल आंदोलन कर्नाटक में कोई नहीं किया, उतना आंदोलन करके सक्सेस किया हुआ बेस है मेरा, इसलिए मैं वहाँ पे उम्मीदवार बोल के खड़ा हूँ। और जो दूसरे पार्टियां हैं उनका बेस सिर्फ करप्शन है। कांग्रेस रहने दो, बीजेपी रहने दो, और कोई रहने दो, सिर्फ करप्शन का अड्डा बढ़ा चुके हैं वो। जो बेरोजगार नौजवान लोग हैं, सियासत के नाम पे जो उनकी आइडियोलॉजी लोगों में फैलाना चाहिए, उस आइडियोलॉजी के मुताबिक उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। उसके अलावा उद्योग खातरी का योजना हो या तो अन्य डेवलपमेंट स्कीम्स हो, लुटालूट करने का काम वो कार्यकर्ताओं को देते हैं, मदद करते हैं वो क्षेत्र के एमएलए। इसको विरोध करना है तो कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत बढ़ाकर हम ये विधानसभा में भेजेंगे तो हम काम कर सकते। और दूसरी बात, यहाँ पे निंगायत किसके तराजू में, बीजेपी के तराजू में या कांग्रेस के तराजू में, ये डिस्कस का सब्जेक्ट बन रहा है। एक बाजू में मुस्लिम का डर हिंदू को डाला जा रहा है, हिंदू का डर मुस्लिम को डाला जा रहा है, और ये मुख्य वजह है इनके करप्शन छुपा के खाली ये मजहब के नाम पे लोगों को डिवाइड करके एक दूसरे का डर बता के वोट लेना चाह रहे हैं। डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं बचा है इनके पास में डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं बचा है। यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको क्या कहते हैं, उसका प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता बढ़ा के यहाँ की बेरोजगारी हटाने का काम करने की तरफ ध्यान आकर्षित करने के बजाय वो हिंदू मुस्लिम हर कोई कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हिंदू से मुस्लिम को डरने की ज़रूरत है ना, तो मुस्लिम को हिंदू से डरने की ज़रूरत है। एक जगह पे रहना है, आगे चल के सबको मिलजुल के तरक्की की ओर जाना है, इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी की कोशिश चल रही है। आज का जो प्रेस मीट है, हमारे स्टेट के लीडर सिद्धनरोड़ा पाटिल जी यहाँ पे प्रेस मीट में बात की है, उसके साथ में के एस जनार्दन थे, यहाँ के लीडर भीमाशंकर माड़ियाल हैं, प्रभुदेव हैं, ये सभी एच एस पद की है, ये तमाम लोग प्रेस मीट में आज बात कर चुके हैं। हमें आवाम में अच्छा स्कोप है, लेकिन प्रचार में क्या है, आप मौला मुल्ला को वोट देंगे तो बीजेपी जीतेंगी। कैसे जीतेंगे भाई, तुम्हारे कारनामे, तुम्हारे किरदार बढ़ा के, काम का किरदार बढ़ा के तुम वोट लो ना। हर कोई शराब बांटना चाह रहा, हर कोई पैसा बांटना चाह रहा इलेक्शन में, क्या मैसेज देने जा रहे तुम प्रजा प्रभुत्व का। हाँ, आज हर देहात में शराब पहुंची हुई है, हर देहात में पैसा पहुंचा हुआ है, ये ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, हमें डाउट है। जो यहाँ के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स घूमते हैं ना, उनका गाड़ी चेक करने का अधिकार यहाँ के कैंडिडेट्स और अलग अलग पार्टियों को भी मिलना चाहिए, उनका गाड़ी चेक करने का, पुलिस का गाड़ी हो चाहे किसका भी गाड़ी हो, हमें डाउट है ये पहुँचा कैसे, इतने सभी चेक पोस्ट है। तुम लोगों को परेशान करने के लिए चेक पोस्ट डाले हैं क्या, इलेक्शन में नियम तोड़ने वालों के लिए चेक पोस्ट डाले हैं, ये देखना है तो फिर वो देहातों में 10-10, 12-12 इलीगल शराब की दुकानें क्यों चल रहे हैं, वो बेरोजगार लोगों का रोजगार बना डाला है ये लोगों ने। और देखता हूँ मैं हर गांव में
हर चौक में, तालुका में, जहां कहीं जाए 8-10 लोग मिलते हैं शराब के लिए पैसा मांगने वाले। क्या हालत बना डाली आज के ये सियासत की माहौल ने, हालत इतनी इतनी बुरी बना डाली। वो अच्छे अच्छे लड़के शराब के लिए पैसा मांगते हैं, एक टाइम महीना दो महीने शराब पिलाने की आदत जो डाल दी, बाद में 5 साल कौन पिलाएंगा उनको। ये आवाम को परेशान करने वाली, बेरोजगारों को शराब के लद में या तो करप्शन के लद में लगा देंगे तो देश डेवलप कौन करेगा, कैसे होगा डेवलप। तो ये सोच के करप्शन का एक भी दाग आज तक कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे देश भर में कोई कोने में किसी लीडर के ऊपर नहीं है। वैसे पार्टी का मैं नुमाइंदा हूँ। यहाँ पे मज़हब देख के नहीं, पैसा देख के नहीं, शराब देख के नहीं, हमारा काम देख के हमको वोट देने की हम मांग करते हैं। सभी का शुक्रिया। मैं भारत कम्युनिस्ट पार्टी दराती गेहूँ का भुट्टा हमारे इलेक्शन का सिंबल है। हमें पता था इसको कोर्ट रिजेक्ट करेगी बोल के, वो नाटक की है, निंगायतों के साथ में खिलवाड़ की है, ये निंगायत और मुस्लिम का झगड़ा लगाने का नाटक की है। बीजेपी को झगड़ा लगाने के अलावा कुछ आता नहीं है, और हमें बखूबी से लड़ना है भाई, लड़ना है सेक्युलरिज्म के लड़ना है। हर हिंदू मुस्लिम सेक्युलरिज्म की लड़ाई में हाथ से हाथ मिला के लड़ने की तैयारी करें, किसी के मोहताज हो के न जिए। और ख़ास करके जो सेक्युलर सेक्युलर बोल के जो दूसरे पार्टियाँ आ रहे हैं ना, वोट लेने के हद तक सेक्युलर है। जब CA NRC का आंदोलन चल रहा था तब कहाँ थे सेक्युलर पार्टियाँ, क्यों नहीं मुँह खोले। अरे सभी ED के अंदर जाने वाले लोग हैं ये, यानी BJP वाले लोग साफ सुथरे हैं बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, BJP वाले लोग उससे गंदे हैं। ED अगर ईमानदारी से काम करे, जो आज इलेक्शन के मैदान में है कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा, जो आज इलेक्शन के मैदान में, ये सभी जेल में रहने के लायक लोग हैं। इतना लूटे हैं देश को, कैसा सुधारेंगे देश को। ये लूटने वालों को आप लीडर बना रहे हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी का साफ कहना है कि भाई ये लीडर नहीं है, लूटे रहे, इनको हटाओ, आवाम मिल के हटाओ इनको, जन आंदोलन शुरू करो। जो श्रीलंका में हो चुका वहाँ पे यहाँ पे होने की ज़रूरत है। श्रीलंका में जो हो चुका, जितने भी करप्ट लीडर्स है देश छोड़ के भाग के गए, क्या है इनका 4-4, 5-5 हज़ार की करोड़ की प्रॉपर्टी, और ये लोक सेवक बन के घूम रहे हैं। ये तमाम बातों को देखने के बाद में नौजवानों में संगठित गुस्सा उठना चाहिए, संगठित, अकेले अकेले में नहीं, पागलपन का गुस्सा नहीं, प्लांट गुस्सा उठना चाहिए। ये कहाँ बचेंगे कम्युनलिज्म करने वाले और ये करप्शन करने वाले, नहीं बचेंगे भाई। आ जाइए आप 1000-2000 मैदान में, देखेंगे कौन लड़ेगा सामने हमारे। हिम्मत से जिए ना, कांग्रेस का डर हिंदू को डाला जा रहा है, BJP का डर मुस्लिम को डाला जा रहा है, ये कैसे सियासती पार्टियां हो गई। अरे काम करके अपने नाम से, अपने काम के दम से वोट मांगो भाई। एक दूसरे को डर बता के क्या वोट मांगते हो। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक है, एक रहेंगे।